हम की सरकार पुनः बनी तो हम लोगों ने आपस में बैठ करके आगे हम लोगों को क्या काम करना है जो पहले काम किए जा रहे हैं उसको उसमें जो कुछ भी काम बचा हुआ उसको तो जारी रखना ही है जो भी काम किया जा रहा है उसका अगर मेंटेनेंस की जरूरत है वो सब करेंगे लेकिन इसके आगे जो कुछ भी करना है युवाओं के प्रशिक्षण के लिए और सभी चीज़ों के लिए अनेक चीज़ों के बारे में निर्णय लिया तो बारी बारी से एक एक चीज के बारे में औपचारिक रूप से भी इसमें काम प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया और इस बार के बजट में जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं बजट में भी प्रावधान सभी तरह की योजनाओं के लिए किया गया और पहले से जो काम हो रहा उस काम को पूरा करने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ तय किया गया और इसी सिलसिले में जो नई चीज़ों के बारे में सोचा गया विचार किया गया उसी में एक यह भी था कि भाई जैसे हम लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए उद्यमी योजना चला रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी अब चूंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजना है तो उसमें चाहे युवक हो या युवती हो दोनों के लिए लागू है लेकिन बाकी जो बची हुई महिलाएं हैं उनके लिए योजना को लागू किया जाए उसी शर्त पर जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है कि साहब इनको दस लाख रुपए तक की सहायता होगी जिसमें पांच लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और पांच लाख रुपया ऋण दिया जाएगा लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा तो उसी तरह से महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई फिर से तो उसके लिए उद्योग के लिए तो उनको यही कर दिया गया और बाकी जो जो लोग जो बचे हैं इसमें तो जो युवक हैं उनके लिए भी योजना शुरू कर दी गई जिसका आज आप शुरू कर रहे हैं युवा उद्यमी योजना का तो युवा युवा उद्यमी योजना में भी पाँच लाख रुपए का अनुदान का ही व्यवस्था है और पाँच लाख रुपया ऋण जो दिया जाएगा तो उसमें एक नाम मात्र का एक प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया और बहुत लंबे समय तक टैक्स का किया गया है और ठीक ही आप लोगों ने कहा कि पहले जो था तीन टर्म में मदद किया जाता था उसको घटा करके दो टर्म में कर दिया गया ये सब कुछ किया गया ताकि लोग अपना उद्योग प्रारंभ कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझको पूरा भरोसा है कि इसमें लोग शामिल होंगे और उद्योग करेंगे और जिस तरह से अब काम शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने प्रारंभ से ही उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की लेकिन उद्योग उतना पहले नहीं बढ़ा था लेकिन अब जो सब कुछ हुआ जा रहा है हो रहा है इसमें अब उद्योग भी बहुत बढ़ेगा इसमें कोई शक नहीं तो जिस तरह की बात और जिसका जिक्र हमारे भी माननीय शाहनवाज हुसैन साहब ने किया और एक एक तरह से बात हो रही है तो सब बहुत अच्छा है और इसके लिए हम सब लोगों को मिल के